जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी फौजी, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर ओनर। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज़ चल रही है, काफ़ी अफवाहें चल रही है कि कैंसलेशन ऑफ रिलीज ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। तो कहने का मतलब ये, अभी जो हेडक्वार्टर्स रिक्रूटिंग जोन जयपुर से एक नोटिफिकेशन आया, आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आया हुआ है, ये सही है कि भर्ती कैंसिल होगी, लेकिन इसकी क्या क्या शर्तें रखी है वो आपको मैं पूरा वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। तो कैंसिलेशन ऑफ रिलीज ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, यानी जो महामारी के चलते हुए कोविड-19 की वजह से ये भर्ती कैंसिल कर दी गई है। तो कौन सी भर्ती कैंसिल हुई है? ये हुई है अजमेर रैली कोटा, जिसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन 8 और 10, सोल्जर क्लर्क और एस कैटेगरी, इनका नोटिफिकेशन अपलोड हुआ था 17 जुलाई 2020 को और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पीरियड इनका 18 जुलाई 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 को इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका था। उसके बाद में नंबर 2 पे सरदार सर रैली झुंझुनू जो एआरओ की है, इसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन 8 और 10 पास के लिए, इनका नोटिफिकेशन अपलोड हुआ था 7 अगस्त 2020 को और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था इनका 8 अगस्त 2020 से लेके 22 सितंबर 2020 को। नंबर 3 पे है झुंझुनू की, जिसमें ट्रेड्स है सोल्जर क्लर्क एसकेटी, सोल्जर एनए नर्सिंग असिस्टेंट ओब्लिक एनए वेटरनरी एंड सिपाही डी फार्मा की, इनकी भी सेम 7 अगस्त को आई थी, 8 अगस्त 2020 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था और 22 सितंबर 2020 तक चला था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम अलवर में, 4 नंबर पे है अलवर। अलवर में सोल्जर क्लर्क ओब्लिक एसकेटी ओब्लिक सोल्जर एनए एनए वेटरनरी एंड सिपाही डी फार्मा, इनका भी सेम 7 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन आया था और 8 अगस्त 2020 से लेकर 22 सितंबर 2020 के बीच में इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था। नंबर 5 पर आते हैं कोटा। कोटा में ट्रेड्स क्या है? सोल्जर एनए ओब्लिक एनए वेटरनरी एंड सिपाही डी फार्मा, इनकी भी 7 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था। नंबर 6 पे है जयपुर जी, जयपुर वालों के लिए सोल्जर एनए एनए वेटरनरी एंड सिपाही डी फार्मा, मैं इसके वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जयपुर की 8 मार्च से भर्ती स्टार्ट है, बाकी जो जीडी वालों के लिए और क्लर्क और ट्रेड्समैन के लिए। तो नेक्स्ट है 7 पे है जोधपुर। जोधपुर की जैसे आपको पता है अभी भर्ती चल रही है 8 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक उदयपुर रैली ग्राउंड में चल रही है। तो जोधपुर वालों के लिए जो एनए है एनए वेटरनरी एंड सिपाही डी फार्मा, 7 अगस्त 2020 को इनका भी सेम नोटिफिकेशन आया था। तो इनकी बता रहे हैं कि कैंसिल हो चुकी है। अभी कैंसिल के पीछे रीजन क्या है वो पूरा आप पढ़ा नहीं है शायद आपने। तो रिक्रूटमेंट रैली ऑफ राजस्थान जोन, इसमें है जो क्या लिखा है, सबसे नीचे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट रैलीज फॉर राजस्थान जोन फॉर अजमेर सितंबर 2020 एंड सरदार सर अक्टूबर 2020, स्टैंड कैंसल्स फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2020-21, कैंडिडेट्स हैव ए रजिस्टर फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2021-22 वंस द फ्रेश नोटिफिकेशन इज अपलोडेड ऑन जेआईए वेबसाइट। तो कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ईयर चलता है 2020-21 का, जो साल मार्च 31 को ख़त्म होगा, 1 अप्रैल से हमारा नया साल शुरू होता है, ना कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। और आपको पता होना चाहिए मार्च के अंदर पूरा ऑल इंडिया का नया नोटिफिकेशन देती है गवर्नमेंट, मतलब जो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऊपर आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा आएगा तब। तो ये भर्तियां कैंसिल होगी है और मार्च के बाद में, हो सकता है अप्रैल में मई में कहीं कभी भी हो जाएगी और गवर्नमेंट को कराना पड़ेगा। तो आप लोग एकदम से जो तैयारी कर रहे हो छोड़ना नहीं है, कहीं जैसे प्रोपगंडे चल रहे हैं, बोला अगस्त में आएगी, सितंबर में कोई बोला होगी नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, भर्तियाँ होगी, लेकिन जो 2020-21 का जो शेड्यूल था वो 2020-21 कब तक, मतलब जो 2020-21 का जो शेड्यूल आया हुआ था वो हमारा मार्च तक है, 31 मार्च तक, और नया 21-22 का जो शेड्यूल होगा वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगा, और बाकी जो भर्तियाँ हैं हो सकता है आपकी अप्रैल के अंदर ही हो, तो वो नोटिफिकेशन आने पर मैं बता दूंगा। तो आपको मैंने शायद ये क्लियर कर दिया होगा कि ये जो नोटिफिकेशन आया इसका मतलब क्या है, 2020-21 ईयर्स क्या है, और 21-22 का जो ईयर्स है वो 21-22 का 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी नहीं छोड़ना, तैयारी करते रहना। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे जो 11 जिलों की भर्तियाँ हुई थी, एकदम 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आया, तो
एक महीने आते उन बंदों को टाइम ही नहीं मिला कि उन्होंने रेस्ट मार रखा है। बोला 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आएगा और एक महीने में आपको पता है इंडियन आर्मी की तैयारी नहीं हो पाती, आप रनिंग नहीं निकाल पाओगे। तो मेरे भाई अभी जो आप तैयारी कर रहे हो करते रहो, जहाँ भी हो और भी कोई आपको कोई समस्या तो आप मेरे से लकी डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आप फोन कॉल से आप पूछ सकते हो, तो आपके शायद ये डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया होगा। आपका दोस्त लकी फौजी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेता रहेगा। आप लोग अपना ऐसे प्यार देते रहना। जय हिंद जय।